गुड आफ्टरनून सबको, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। लिखो तो जरा फटाफट, देखो मैं आ रहा है क्या लिखने सबको। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड, गुड आफ्टरनून। चल तो स्टार्ट कर रहे हम लोग। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, सबने देखा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है? हाँ, इसी पे देखा ना, कल एक वीडियो आया मेरा, एक वीडियो आया कि नहीं? हाँ, वो गुड। ऐसे ही मैं वीडियो डालते रहूंगा, ये हमारा चैनल है। अगर आप लोग को चाहिए तो ये सर्च भी मार कर सकते हो, ES Tutorials क्लास 9 एंड क्लास 10। हाँ, मतलब वहां पे मैंने डाल के रखा है ऐसा, ठीक है ना। तो इसमें कैसा होगा कि कभी भी तुम्हें ऐसा देखना रहा कि मेरे क्लास का, तो वहां पे मिल जाएगा तुम्हें डायरेक्टली, ठीक है ना। यूट्यूब पे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूट्यूब को भी सब्सक्राइब किया कि नहीं सबने? यूट्यूब चैनल को किया क्या? किसने किसने किया है बताओ तो जरा देखू मैं। गुड, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सबने किया। गुड, चलो तो जो नहीं किया वो भी कर लेगा, ठीक है, अपने दोस्तों को भी बोलेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग देखने जा रहे हैं हमारा 2.2 एक्सरसाइज। कल हम लोग ने 2.1 खत्म कर लिया था ना, बोलो है ना सब लोग? तो अब हम लोग चालू करेंगे 2.2। देखो 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है, ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हम लोग को पॉलिनोमियल दिया है, अब उसका वैल्यू पता करना है, वैल्यू तो ये है। और वैल्यू किसके लिए फाइंड करना है? ये इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, मतलब सब में x की वैल्यू दी है। तो यानी इसमें क्या करना अपने को, बस x की वैल्यू जो है ना वो पुट करना है पॉलिनोमियल में, और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लेना है। एकदम सिंपल सा है जो हमारा। देखो अब कैसे लिखना है इसको, मैं बताता हूं, देखो कैसे लिखना है आंसर हमारा। सबसे पहले ये जो पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल को हम लोग डिनोट करते हैं p ऑफ x से। किसे डिनोट करते हैं सब लोग बोलेंगे? किसे डिनोट करते हैं? p ऑफ x, क्या पढ़ते हैं इसको? p ऑफ x, p ऑफ x, ठीक है ना, ब्रैकेट को ऑफ पढ़ते हैं। मैं p ऑफ x क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है वो है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये जो पॉलिनोमियल है वो किसके टर्म में है? x के टर्म में। यहाँ वेरिएबल जो है वो क्या है? x है। लेकिन अगर y होता तो हम लोग क्या ले लेते? वो p ऑफ y लिखते। समझा कि नहीं समझा? अगर यहाँ वेरिएबल z होता तो मैं p ऑफ क्या लिखता, बोलो p ऑफ क्या लिखता? z लिखता। समझा कि नहीं समझा? इस वेरिएबल पे डिपेंड करता मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा। समझा कि नहीं समझा? ओके चलो अब एक ही करके सबकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखो सबसे पहला मुझे x की वैल्यू क्या दी है, क्या दिख रही है x की वैल्यू, बोलो फटाफट जल्दी जल्दी टाइप करेंगे, क्या दिख रहा है x की वैल्यू? अरे बोलो, लिखो। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, जीरो दिखा सबको, क्या बात है, गुड। चलो तो p ऑफ x की जगह क्या लिखना है मुझे? जीरो। तो यहाँ पे भी x लिखा है तो वहां पे क्या लिखूंगा मैं? जीरो इज इक्वल टू, अब यहाँ लिखा 5x, 5x मतलब 5 इंटू x, तो x की वैल्यू क्या है? बोलो x की वैल्यू क्या है, जल्दी 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 बोलो x की वैल्यू। जीरो, वेरी गुड। टाइप करेंगे, टाइप भी करते रहेंगे फटाफट। अब साइन है माइनस, फिर क्या लिखा? 4 इंटू एक्स स्क्वायर ना, 4x स्क्वायर मतलब है ना, 4x स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 4 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है? जीरो। जीरो का ऐड करना अपने को स्क्वायर, और प्लस क्या लिखा है? 3। हाँ या ना? हाँ सर। ओके तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 कितना आएगा? जीरो। वेरी गुड। माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर कितना होगा? जीरो प्लस 3। अब तुम लोग ये बताओगे मुझे, क्या बताओगे कि सबसे पहले माइनस होता है या मल्टीप्लाई? मैं ये 0 4 को माइनस करूं या 4 इंटू 0 को मल्टीप्लाई करूं? वेरी गुड। बॉड मास रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो मतलब ये जीरो को मैं ऐसे ही रखूंगा, माइनस 0 इंटू 4 कितना हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताएंगे 0 इंटू 4 कितना होगा? 0। क्या बात है, आता है क्या सबको? गुड।
जल्दी जल्दी लिखेंगे, जल्दी जल्दी, प्लस थ्री आया ना, तो बताओ जीरो में जीरो माइनस जीरो प्लस थ्री का आंसर कितना आएगा, जल्दी जल्दी, सबका चाहिए सबका आंसर, जब वेरी गुड, खतरनाक, क्या बचेगा थ्री, जीरो तो कुछ मैटर ही नहीं करता, समझा कि नहीं, अरे बोलो समझा कि नहीं, सिंपल है क्या, चिंदी एकदम, चिंदी एकदम, एकदम गुड, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग अब करेंगे कौन सा, सेकंड वाला मैं करूंगा और थर्ड वाला तुम लोग करोगे, ठीक है ना, अरे बोलो ठीक है, नहीं नहीं सेकंड मैं ही करूंगा, ठीक है ना, थर्ड वाला तुम लोग करोगे, ठीक है ना, पक्का, यस सर, करेंगे ना, गुड वेरी गुड, चलो एक्स की वैल्यू क्या लिखी है, माइनस वन, मतलब जहां पे भी एक्स है क्या लिखूंगा मैं, माइनस वन, तो यहाँ ध्यान दो, ये है अपना पॉलिनोमियल, उसी पॉलिनोमियल को मैं लिखने वाला हूँ, ध्यान देंगे यहाँ पे, तो क्या लिखूंगा, पी ऑफ एक्स के जगह पे क्या लिखूं, माइनस वन, सब लोग भी कमेंट करते रहेंगे एकदम फटाफट, आया ना, माइनस, चलो फाइव इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू माइनस वन, वेरी गुड, माइनस फोर इंटू एक्स का स्क्वायर लिखा है, एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस वन का स्क्वायर, प्लस क्या हो गया, थ्री, चलो फाइव इंटू माइनस वन कितना होगा, माइनस फाइव, वेरी गुड, ये माइनस हो गया, फोर इंटू माइनस वन का स्क्वायर कितना होगा, वेरी गुड, वेरी गुड, देखो कोई भी नेगेटिव नंबर है अगर उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, तो नेगेटिव नंबर का हो गया पॉजिटिव, और वन का स्क्वायर क्या होता है, वन होता है, प्लस क्या हो गया, थ्री, चलो तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा कि प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, तो ये माइनस फाइव को ऐसे रखते हैं, ये माइनस फोर, देखो फोर इंटू वन क्या हो जाएगा, फोर, और प्लस क्या हो गया, थ्री, तो अब सॉल्व करते समय क्या करने का, पहले माइनस माइनस सॉल्व करने का, प्लस प्लस बाद में सॉल्व करने का, ठीक है, तो ये देखो ये दोनों माइनस माइनस है, माइनस माइनस साथ में ग्रुप बना लेने का, और प्लस प्लस वाले का ग्रुप बनाने का, उसको सॉल्व करने का पहले, तो ये माइनस माइनस क्या है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो फाइव प्लस फोर कितना होता है, सब लोग बताएंगे मुझे, सब लोग कितना आएगा, माइनस नाइन, क्योंकि नाइन आएगा और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, और क्या बच गया, प्लस थ्री, बोलो प्लस माइनस, अरे प्लस माइनस जल्दी जल्दी, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, अरे बोलो माइनस, जल्दी लिखो माइनस, लिखो खटाना, माइनस लिखो, माइनस, माइनस, गुड, अभी इसको प्लस माइनस करेंगे तो नाइन में से थ्री का कितना आएगा, सिक्स, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो पी ऑफ माइनस वन की वैल्यू क्या मिल गई अपने को, माइनस सिक्स, समझा कि नहीं समझा, अरे बोलो हाँ या ना, सिंपल एकदम, चलो तो फटाफट फटाफट सब लोग ये वाला करेंगे, जल्दी जल्दी देखते हैं पहले किसका आंसर आएगा थर्ड वाले का, जल्दी 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 लिखो लिखो लिखो, फिर से लिखना है, फिर से लिखना है, अच्छा क्या बात है, गुड वेरी गुड, क्या बात है, सबका हो गया, सबका आंसर क्या आया है, माइनस थ्री, कमेंट करेंगे बाकी सब भी, माइनस थ्री, गुड, जिसका हो गया वो भी लिखेगा, जिसका हो गया वही लिखेगा, जिसका नहीं हुआ वो लिखते हैं, आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, कोई जल्दी नहीं है हमें, आराम से करो ना लुत्फुनिशा, ओ लुत्फुनिशा, कर रही हो ना, यस सर, गुड, करते रहो, ठीक है ना, करो फिर हम लोग आगे करेंगे, पहले तुम्हारा हो जाने दो, ठीक है, जल्दी जल्दी लिखेंगे, जल्दी जल्दी, शो करो तो, रुको, फाइव टू सिक्सटीन, गुड वेरी गुड, करेक्ट है, दिखाओ ओम, शो करो बुक, क्या बात है, गुड वेरी गुड, करेक्ट है, हाँ शो करो, गुड वेरी गुड, साइन का है बस ध्यान देना, एकदम सिंपल है, आया ना,
चलो हो गया डन डन सबका। लुत्फनिशा हो गया तुम्हारा भी? ओके गुड वेरी गुड। फैंस तुम बुक दिखा रहे थे, कहाँ गया बुक? गायब हो गया। गुड वेरी गुड। लुत्फनिशा बुक शो करो तो लड़की लुत्फनिशा बुक शो करो। तुम्हें नहीं आता लुत्फनिशा? आता है कि नहीं आता है? क्या बुक शो करने नहीं आता है? सब नहीं आता, जल्दी बोलो। सम आता है, बुक शो करने नहीं आ रहा है। चलो तो टेंशन नहीं, बाद में तुम होमवर्क में भेज देना, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हम लोग। ओके क्वेश्चन नंबर, ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर टू में क्या लिखा है? फाइंड पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन, पी ऑफ टू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल। हर एक पॉलिनॉमियल के लिए मुझे पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन और पी ऑफ टू फाइंड करना। मतलब ऐसे ही तो फाइंड कर रहा है, यही तरीका तो है। पी ऑफ जीरो देखो फाइंड किया, यहाँ पी ऑफ माइनस वन फाइंड किया। इसका मतलब क्या है कि ये जो बीच में वैल्यू है वो किसका होगा? वेरिएबल का। किसका वैल्यू होगा? वेरिएबल का। जैसे अभी मैं इसका फाइंड करता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वन का आंसर करता हूँ, ठीक है? ये मेरा पी ऑफ वाई दिया है, मुझे सबसे पहले फाइंड करना है पी ऑफ जीरो, ठीक है? पी ऑफ जीरो सबसे फर्स्ट मैं फाइंड कर रहा हूँ। तो जीरो मतलब क्या दिख रहा है? ये कंपेयर करेंगे तो वाई की जगह क्या दिख रहा है मुझे? बोलो वाई की जगह क्या दिख रहा है? जीरो। तो यहाँ पे भी ये जो राइट हैंड साइड में हम लोग को दिया है, तो यहाँ पे भी वाई की जगह क्या डालेंगे हम लोग? फटाफट बोलेंगे क्या डालूंगा? जीरो। वेरी गुड। तो लिखा क्या है? वाई का स्क्वायर, तो क्या लिखूंगा? जीरो का होल स्क्वायर। अरे समझा क्या? फिर माइनस वाई लिखा है, वाई की जगह क्या लिखूंगा मैं? जीरो। प्लस उसके बाद क्या लिखूंगा? वन। तो क्या होगा? जीरो का स्क्वायर कितना होता है? जीरो माइनस जीरो प्लस वन, कितना आएगा आंसर? जल्दी जल्दी बोलेंगे, जल्दी जल्दी बोलेंगे सब लोग। वन। वेरी गुड। सबको सबका कमेंट आना चाहिए, सबका। गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो इसके बाद, इसके बाद कौन बता सकता है मुझे कि मुझे पी ऑफ वन निकालने आएगा? कौन बता सकता है मुझे पी ऑफ वन कैसे आएगा? कौन बता? एमीमी लिखो, एमीमी। हाँ तुलसी, तुलसी बताएगी, बोलो तुलसी। वेरी गुड। देखो वाई का स्क्वायर लिखा तो वाई की जगह वन, वन का स्क्वायर माइनस वन, और लास्ट में क्या लिखा? प्लस वन लिखा है, तो वन लिख दिया मैंने। अब देखो ये माइनस वन प्लस वन कट गया, वन का स्क्वायर कितना होता है? वन। तो आंसर क्या आया? समझा कि नहीं समझा सबको? अरे बोलो हाँ या ना सब लोग, जल्दी जल्दी बोलेंगे। गुड वेरी गुड वेरी गुड। थर्ड वाला कौन बताएगा मुझे? पी ऑफ टू कौन बता सकता है? जल्दी जल्दी एमी मी बोलेगी। मी 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 मी। अरे रुक जा यार, एक ही रुको, सबको चांस आने दो, सबको। तहरीम बोलेगी, तहरीम तहरीम बोलो क्या लिखूं मैं? पी ऑफ टू लिखेंगे इज इक्वल टू टू होल स्क्वायर माइनस टू प्लस वन। वेरी गुड। देखो जहां पे भी वाई था, यहाँ वाई का स्क्वायर लिखा था तो वाई की जगह हम लोग टू का स्क्वायर लिख लिया। फिर लिखा था माइनस वाई, वाई की जगह लिख लिया हम लोग ने टू, और लास्ट में जो प्लस वन था वो प्लस वन था। चलो तो सबसे पहले ये स्क्वायर होगा, टू का स्क्वायर कितना होता है? फोर। सब लोग बोलते रहेंगे फटाफट। ये टू देखो, ये टू यहाँ माइनस में था और ये वन प्लस में था, प्लस माइनस ये दोनों में
बोलो प्लस माइनस माइनस टू में सेवन क्या कितना आएगा वन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माया और फोर माइनस वन कितना आएगा आंसर थ्री। समझा कि नहीं समझा सबको सिंपल एकदम एकदम जल्दी गुड। चलो तो इसका फटाफट सब लोग ना पी ऑफ जीरो का आंसर बताएंगे फटाफट इसका सेकंड वाले का पी ऑफ जीरो खुद से करेंगे खुद से अरे खतरनाक क्या बात। बाकी सब भी जल्दी जल्दी करेंगे मैं बुक देखूंगा ठीक है जल्दी जल्दी करेंगे देखते हैं जल्दी जल्दी जिसको बोलूंगा बुक शो करेगा ठीक है। प्रथम न्यू भी करना है अपने को पहले किया ठीक है प्रैक्टिस है वापस भी करना है ठीक है ना सब लोग जो जो पहले प्रेजेंट थे उन्हें फिर से करना है प्रैक्टिस में गुड। अच्छा गुड वेरी गुड। शो करो रुको 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 जीरो गुड वेरी गुड टू आया गुड। अनुष्का का भी आया क्या बात है। थोड़ा सा ब्लर आ रहा देखो तो फोन नीचे करो। हाँ गुड वेरी गुड टू करेक्ट ठीक है ना। सब लोग क्या करेंगे जहां पे भी वेरिएबल है टी क्या डालेंगे सब लोग जीरो आया ना पहला वाला। अगर पी ऑफ जीरो चाहिए मुझे पी ऑफ जीरो चाहिए तो जहां पे भी टी है क्या डालेंगे हम लोग जीरो। तो क्या लिखेंगे टू प्लस यहाँ लिखा है टी टी के क्या लिखेंगे बोलो जल्दी जल्दी बोलेंगे जल्दी जल्दी अरे जल्दी जल्दी जीरो वेरी गुड प्लस लिखा है टू इंटू टी स्क्वायर तो टू इंटू टी की वैल्यू मतलब टी की वैल्यू क्या है जीरो जीरो क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस फिर लिखा टी का क्यूब क्या लिखूं वेरी गुड ये हो गया टू प्लस जीरो प्लस टू इंटू सबसे पहले स्क्वायर होता है ना कि मल्टीप्लाई होता है नहीं पहले स्क्वायर होता है सबसे पहले क्या होता है स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई तो जीरो का स्क्वायर कितना होगा माइनस जीरो का क्यूब कितना होगा जीरो तो क्या हो जाएगा टू प्लस जीरो प्लस टू इंटू जीरो जीरो माइनस जीरो आंसर कितना आया टू जीरो जीरो तो नहीं लिखते ना हम लोग। हाँ लुत्फुनिशा समझा कि नहीं समझा यस सर गुड। अब ना सब लोग पी ऑफ वन करेंगे जल्दी जल्दी पी ऑफ वन और पी ऑफ टू भी जल्दी जल्दी क्या बात हो भी गया क्या बात जल्दी जल्दी बाकी सब भी करेंगे खतरनाक है यार तुम लोग। क्या बात है चलो किसका किसका हो गया पी एफ वन का आंसर लिखेंगे पी एफ वन का आंसर जल्दी जल्दी लिखेंगे पी एफ वन का आंसर। फोर आया फोर क्या बात है गुड वेरी गुड। अरे एक ही बार फोर लिखे यार चार बार लिखेगा तो भी फोर ही दिखेगा समझा कि नहीं। हाँ वैभव वैभव तो दस बार फोर लिख रहा है बाकी सबको चांस ही नहीं दे रहा देखो। चलो वन का तो आएगा देखो अब मैं थर्ड वाला बता रहा हूं इसमें पी ऑफ टू ठीक है ध्यान से देखेंगे मुझे बताएंगे तुम लोग तो पी ऑफ में क्या लिखूंगा टू तो मतलब क्या दिख रहा है टी की जगह क्या लिखने वाला हूं मैं टू तो क्या लिखूंगा देखो सबसे पहले लिखा है यहाँ पे टू तो उसको कॉपी करूंगा टू फिर लिखा है प्लस तो वो लिखा प्लस इसके बाद लिखा है टी टी की जगह क्या लिखूंगा टू वेरी गुड प्लस लिखा टू टी स्क्वायर तो मतलब क्या लिखूंगा टू इंटू ब्रैकेट टू स्क्वायर हाँ वेरी गुड टू इंटू ब्रैकेट में
टी की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर माइनस, फिर लिखा है टी का क्यूब, क्या लिखूं? 2 का होल क्यूब, हाँ या ना? गुड, चलो तो सबसे पहले ये 2 प्लस 2, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2, पहले देखो मल्टीप्लाई होगा या स्क्वायर होगा? स्क्वायर होगा सर। हाँ वेरी गुड, कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना जो जोश में, पहले स्क्वायर होना चाहिए नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। अगर तुम लोग ऐसा कर दिए कि 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर है, उसको ऐसा लिख रहे हो, पहले मल्टीप्लाई कर दिया 2 2's 4 और फिर होल 4 का होल स्क्वायर कर रहे हो और आएगा 16, वो रॉन्ग हो जाएगा। क्या समझा क्या नहीं समझा? पहले क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 माइनस 2 का क्यूब 8। चलो ये हो गया 4, फिर क्या होगा? मल्टीप्लाई करना, पहले 2 4 का कितना होता है? 8 माइनस 8, ये कट गया ना, तो आंसर कितना आएगा? 4। समझा क्या सबको? समझा? अरे बोलो हाँ या ना सब लोग? चिंदी एकदम एकदम चिंदी ना, गुड वेरी गुड। चलो अभी ये क्वेश्चन अभी इसके लिए तो तुम लोग आराम से कर सकते हो, हाँ या ना? एकदम सिंपल भी हो जाएगा। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, होमवर्क ठीक है ना, गृह कार्य घर का काम, और ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये दो क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है ना? आराम से ट्राई करना, नहीं आया तो कौन बताएगा? Yes, हाँ मैं बताऊंगा, ठीक है ना, टेंशन मत लो। वैसे ही सेम क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन ही है, वही सेकंड वाला ही क्वेश्चन है, पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 और पी ऑफ 2 फाइंड करना, उसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ठीक है? हाँ बस वैल्यू डाल के क्यूब निकालना थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में सॉल्व करना, ठीक है? ओके चलो। अच्छा एक काम करो, सिर्फ मुझे ना एक की वैल्यू बताएंगे तुम लोग, किसकी वैल्यू बताएंगे पता है? पता किसकी बताओगे? P of 1 की। इसमें ना ये वाले फोर्थ वाले क्वेश्चन में मुझे P of 1 का आंसर बताओ निकाल के, जल्दी जल्दी, सिर्फ P of 1 का, जल्दी जल्दी बताएंगे P of 1 का आंसर। आ गया? गुड वेरी गुड। अगर देखो P of 1 निकालना है तो मैं इसकी जगह क्या डालूंगा? 1, क्या लिखूंगा? 1 माइनस 1, हाँ या ना? देखो ये x का 1 था और ये 1 यहाँ पे था, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा? x प्लस 1, तो x की जगह क्या लिखना? 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 कितना होगा? 0। अरे बोलो हाँ या ना? ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। 1 प्लस 1 कितना होगा? 2, तो 2 इंटू 0 कितना होगा? 0। समझा कि नहीं समझा सबको? अरे बोलो हाँ या ना सब लोग, फटाफट जल्दी जल्दी, यस या नो, जल्दी जल्दी बोलेंगे, कमेंट कमेंट करो फटाफट। गुड वेरी गुड, क्या बात है, गाथा को भी आ रहा है, गुड। चलो वो कहाँ गए लड़की? लुत्फुनिशा, लुत्फुनिशा आ रहा है क्या? लुत्फुनिशा, लुत्फुनिशा आ रहा है ना? गुड वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चल अब है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है देखेंगे, बोला क्या है? तो बोला ये है, वेरीफाई वेदर, वेरीफाई करना है, द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। बोला है जो पॉलिनोमियल के बाजू में वैल्यूज दी है, यानी एक्स की वैल्यू दी है, वो जीरोस है या नहीं। अब जीरोस मतलब क्या होता है पता है? जीरोस, जीरोस मतलब क्या होता है? अरे बोलो, जीरोस मतलब क्या होता है? जीरोस मतलब होता है सॉल्यूशन, जीरोस मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन मतलब
वेरिएबल की वैल्यू, मतलब हम हाँ मतलब सॉल्यूशन है, मतलब वो परफेक्ट उसका आंसर होगा। तो जीरोस बोलने के लिए हमें क्या होगा, जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे हमारा पूरा पॉलीनोमियल का आंसर जीरो आ जाएगा। अगर हमारे पॉलीनोमियल का आंसर जीरो आ रहा है तो ये जीरोस है, नहीं तो नहीं है, वो सॉल्यूशन है नहीं तो नहीं है। तो जीरोस का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन। समझा कि नहीं? अरे बोलो हाँ यार, वेरी गुड। तो देखो फर्स्ट वाला उठा रहा हूं मैं, फर्स्ट वाला क्या लिखा है, फर्स्ट वाला लिखा है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 1, और उसके सामने x की वैल्यू क्या दी है, x की वैल्यू दी है -1/3। अब ये जो x की वैल्यू है ना, हमें क्या करना है, इसमें पुट करना है, इस पॉलीनोमियल में पुट करना है, और देखना है कि हमारा पॉलीनोमियल का आंसर जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमने चेक करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, p, यहां लिखा x, x की जगह क्या लिखना, बोलो x की जगह क्या लिखना है, -1/3, तो लिखेंगे -1/3 इज इक्वल टू, ये 3x मतलब 3 × x ना, तो x की वैल्यू क्या है, -1/3 ना तुलसी, -3/1 नहीं, ठीक है, प्लस और क्या लिखा है 1, हाँ या ना। और देखो मैंने ब्रैकेट में इसलिए डाला क्योंकि ये माइनस में था, दिख रहा है ये माइनस है, याद रखना जब भी माइनस में हो उस टर्म को किसमें लिखोगे, ब्रैकेट में, किसमें लिखोगे, ब्रैकेट में। कमेंट करेंगे सब लोग, जल्दी जल्दी ब्रैकेट लिखो, तो जल्दी देखो मैं आ रहा लिखने सबको, ब्रैकेट जल्दी जल्दी, ब्रैकेट गुड, जल्दी जल्दी गुड, वेरी गुड। अब देखो सबसे पहले ये 3 काट देंगे हम लोग, कट रहा है, तो यहाँ ऊपर क्या बच गया, -1, और प्लस क्या बच गया, 1, 1 - 1 कितना होगा, 0 है ना। तो अगर ये 0 आ रहा है तो ये जो x की वैल्यू है वो 0 होगी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी, हमारा क्या आ जाएगा, पी ऑफ एक्स मतलब पॉलीनोमियल का आंसर 0 आया है, हाँ, तो क्या लिखेंगे, -1/3 इज अ 0 ऑफ द पॉलीनोमियल। समझा कि नहीं समझा, अरे बोलो हाँ यार। अगर 0 नहीं आता तो, 0 नहीं आता तो पॉलीनोमियल नहीं होता, अरे पॉलीनोमियल होता लेकिन 0 नहीं होता, समझा कि नहीं, अरे बोलो हाँ यार, हाँ तो हमने लिखते हैं इज नॉट अ 0 ऑफ द पॉलीनोमियल, समझा कि नहीं समझा, अरे बोलो, चलो अब ना हम लोग क्या करते हैं ना, सेकंड वाला करते हैं, ठीक है, सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या लिखा है, सेकंड वाला लिखा है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है, x² - 1, बोलो हाँ या ना, यस। उसके बाद x की दो वैल्यू दी है, x की एक वैल्यू है 1 और दूसरी क्या है, -1। चलो अब एक एक करके पुट करते हैं, सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूं, x इज इक्वल टू 1 ले रहा हूं, ठीक है ना, अरे बोलो हाँ गुड। तो मैं क्या करूंगा, x की जगह पुट करूंगा, वही सेम चीज ही तो कर रहा हूं अपने को, x की जगह क्या कर रहा है, 1 पुट कर रहा है, तो 1 डाला मैंने यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर लिखा, क्या लिखूंगा अभी, जल्दी बोलो क्या लिखूंगा, 1 का स्क्वायर ना, और -1, सब लोग बोलेंगे 1 का स्क्वायर कितना आता है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, जल्दी जल्दी लिखेंगे, जल्दी जल्दी सबके सब, रुकना नहीं है, हाथ को रोकना ही नहीं है हमें, वेरी गुड, 1 का स्क्वायर 1, -1, 1 - 1 कितना आएगा, जल्दी बोलेंगे 1 - 1 कितना आएगा, 0, वेरी गुड। अगर ये 0 आ गया तो क्या बोलेंगे, 1 इज अ 0 ऑफ द पॉलीनोमियल, समझा कि नहीं समझा, अरे बोलो हाँ या ना। तो अभी एक ही चेक करेंगे क्या, कि दूसरा वाला भी चेक करना पड़ेगा अपने को, नहीं सर, एक में 0 आ गया ना, नहीं नहीं हम लोग को दूसरा भी चेक करना पड़ेगा, सारे वेरीफाई, देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है वेरीफाई करो, ठीक है, जो भी जीरोस दिए हैं वो सबको, तो अगर 2 दिया तो दोनों को चेक करना पड़ेगा, समझा कि नहीं,
अरे बोलो हाँ या ना। हाँ तो सबको सबको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो x की दूसरी वैल्यू क्या है देखो, तो जल्दी जल्दी लिखेंगे सब लोग। x की दूसरी वैल्यू क्या है? -1। सबका एकदम फटाफट स्पीड हाथ में जाना चाहिए। वेरी गुड। चलो अब क्या लिखेंगे हम लोग, p ऑफ क्या लिख लेंगे x की जगह पे -1। हाँ या ना, उसको मिटा लिया जाए, थोड़ा सा मिटा लिया जाए। कहाँ गया इरेजर? ओके यहाँ पे। चलो तो हम लोग लिख लेंगे ये p ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या लिखा है, x का स्क्वायर। x की वैल्यू क्या है? -1 का होल स्क्वायर। और फिर क्या है -1? बोलो -1 का होल स्क्वायर कितना होगा? +1। क्योंकि माइनस नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाता है, बोलेंगे जल्दी सब लोग, नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाता है? पॉजिटिव। क्या हो जाता है? पॉजिटिव। वेरी गुड। चलो -1 का स्क्वायर +1 और -1, तो 1 - 1 कितना होगा? 0। तो इसका भी आंसर 0 आया ना। हाँ तो क्या लिखेंगे, -1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। समझा कि नहीं समझा सबको? हाँ, जितने भी जीरोस है सबको वेरीफाई करना है। अगर 0 नहीं आया तो क्या लिखेंगे? नॉट अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है ना? अरे समझा क्या सबको? जल्दी जल्दी हाँ या ना लिखेंगे फटाफट सब लोग। हाँ या ना लिखेंगे जल्दी जल्दी। देखू तो मैं समझा कि नहीं समझा? देखू तो मैं। क्या बात है, सबको समझा, क्या बात है, वेरी गुड। चलो तो इसमें से मैं अब तुम्हें दे रहा हूं कुछ होमवर्क, ठीक है ना? कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दे रहा हूं, उसको आराम से टिक करें। अच्छा, हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं किया, डायरेक्ट 3 किया ना, हम लोग ने 2 नहीं किया, 3 किया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 3। चल अब ध्यान से देखेंगे। मैं दे रहा हूं तुम्हें होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क, और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क में है, और उससे पहले भी 2 क्वेश्चन दिए थे। बोलो आया ना? ओके, तो इतना ही आपको करना है, बाकी क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। अगर नहीं आया तो मैं करवाऊंगा, ठीक है ना? और ये होमवर्क वाले भी नहीं आया तो कौन करवाएगा? हाँ, पीडीएफ तो मैं अभी भेजूंगा। आया ना? ओके, तो आज का जो मैंने पढ़ा सबको समझा कि नहीं समझा? बोलो हाँ या ना सब लोग। सब लोग बोलेंगे समझा कि नहीं समझा? गुड। और देखो एंड में भी मैंने कुछ होमवर्क दिया, दिख रहा तुम लोग को? दिख रहा होमवर्क? ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है ना? ये सबको करना है, ठीक है ना? चलो तो अभी क्या बोलेंगे? बाय बाय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाय 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 बाय।